हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8। 7 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां से जाके देख सकते हैं। आज आप लोगों का ये जो प्रैक्टिस सेट है वो काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों को अवेलेबल करवाया जा रहा है। बीच में काफ़ी दिनों का गैप हो गया था, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी। एक्चुअली मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसके कारण मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके नहीं आ पा रहा था। अभी जैसे ही मैं खुद को थोड़ा रिकवर फील कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें स्टार्टिंग का 1 से 20 जो क्वेश्चंस हैं वो मैथ्स और रीजनिंग के हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। तो आगे जहां से जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है वहां से हम लोग शुरू करते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो अंतिम बैठक था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर हम बात करते हैं संविधान सभा की, तो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था प्रथम बैठक की अगर हम बात करते हैं तो वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और उसके बाद 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, और इस बीच में सभा में कुल 11 बैठकें हुई थी, और उसके बाद जो अंतिम बैठक था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। अगर हम बात संविधान सभा की करते हैं तो संविधान सभा से कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग याद रखिएगा जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है, संविधान सभा का जो विचार था वो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। क्लियर है? कब किया था? 1924 में। संविधान सभा के द्वारा और भी कुछ कार्य किए गए थे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को हमारा जो राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय गीत है इसको संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा से और कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसमें महिलाओं सदस्यों की जो संख्या थी वो 15 थी, अनुसूचित जनजाति की जो संख्या थी वो 33 थी। क्लियर है? तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो संविधान सभा से आपको याद रखने होंगे, इससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, किस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद में वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1892 का जो अधिनियम था इसी के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी और वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई थी। फिर अगर हम बात 1909 की करते हैं तो 1909 के वो हम लोग मार्लोमिंटो सुधार भी कहा जाता है, और इसके तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का संचालन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 1919 के अधिनियम को मार्टेंगू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, और इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। और 1861 के अधिनियम की बात करते हैं तो इसके तहत विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ था और गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संचालन के अधिकार प्रदान की गई है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 की बात किया कर रहा है। अनुच्छेद 29 में है क्या? अनुच्छेद 29 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और अनुच्छेद 30 में है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राजविधि से पूर्णतः पोषित अगर कोई भी शिक्षा संस्थान है तो उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को, जो हुआ था 1976 में। अब 42वां संविधान संशोधन से क्या क्या हुआ था इसमें और क्यों इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा बदलाव हुआ था, जैसे कि 10 मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 क के तहत भाग 4 के क के अंतर्गत में जोड़ा गया था। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था, और संसद विधानमंडल कोलम को समाप्त कर दिया गया था।
तो ये सारे किए गए थे 44वें संविधान संशोधन में। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से किस मामलों में राज्यसभा एवं लोकसभा की स्थिति समान है। तो देखिए समान विधायकों पर पुनः स्थापना और उसको पारित करना, संवैधानिक संशोधनों विधायकों को पुनः स्थापना और उसको पारित करना, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त इनमें सभी यानी 1, 2, 3, 4 सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए ये पूछ रहा है विकल्प सही है, स्थानीय स्वशासन संवर्ती सूची का विषय है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि स्थानीय स्वशासन जो है वो राज्य सूची का विषय है न कि संवर्ती सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य संवर्ती सूची का विषय है, ये भी गलत है। लोक स्वास्थ्य जो है ये भी राज्य सूची का विषय है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तो इसमें लिखा हुआ है इग्रहमी अनुसूची में 18 विषय है, ये भी गलत है। इग्रहमी अनुसूची जो है वो पंचायतों को कार्य करने के लिए है और इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया है। शेयर बाजार संघ सूची का विषय है, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इस क्वेश्चन का देखिए यह भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है, बिल्कुल सही बात है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करता है, यह भी सत्य है। यह भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करता है, यह गलत है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि प्रधानमंत्री का जो चुनाव है वो चुनाव नहीं होता है बल्कि यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है अनुच्छेद 75(1) के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 75 के तहत भारत का जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव है मतलब चुनाव नहीं होता है, इसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। यह चुनाव के समय आचार संहिता का पालन करवाता है, यह भी सत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग से कुछ चीजें याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग जैसे ही आपके दिमाग में आया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और अभी जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं सुनील अरोड़ा जो कि 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक होता है। तो भारत के संविधान का अभिरक्षक जो होता है वो उच्चतम न्यायालय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और उच्चतम न्यायालय से एक और चीज़ याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय का जो गठन संबंधी प्रावधान है वो अनुच्छेद 124 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दों पर बहस करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, देखिए स्थगन प्रस्ताव की अगर बात करते हैं तो यह किसी अभिलंब लिए लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने हेतु सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है और यह जो है वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 243(1) के तहत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो पंचायती राज अधिनियम है 1993 उसके तहत मतलब 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 243(1) राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। लेकिन अगर सिर्फ वित्त आयोग पूछ दे तब हो जाएगा अनुच्छेद 280 और इसका गठन करता है राष्ट्रपति। लेकिन अगर राज्य वित्त आयोग पूछे तो अब हो जाएगा अनुच्छेद 243(1) और इसका गठन करता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्न में से कौन सदिश राशि है। देखिए राशियां जनरली दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, और एक होता है स्केलर क्वांटिटी जो कि है अदिश राशि, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सदिश राशि है, तो बल आघूर्ण जो है वो सदिश राशि है। और बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, बल आघूर्ण का मात्रक होगा न्यूटन मीटर। ये जो दूरी है, कार्य है, चाल है, ये सब क्या है, अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है। तो फ्यूज तार जो है वो सीसा और टीन का मिश्र धातु है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है एक अश्व शक्ति कितना होता है। तो एक जो हॉर्स पावर होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है कि 1 किलो वाट में कितना हॉर्स पावर होता है। तो 1 किलो वाट में कितना होगा, 1000 / 746
36, तो ये कुल डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 1.34 हॉर्स पावर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी हुई होती है, तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो फोटोन की बनी हुई होती है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोटोन का बना हुआ होता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों का इससे एक और चीज़ याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो तरंगधर परिसर है वो 10^-14 मीटर से लेकर 10^4 मीटर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की जो चाल होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप लोग ये सुने भी होंगे कि जैसे ही वायु में प्रति एक डिग्री तापमान बढ़ जाने पर जो ध्वनि का जो चाल होता है वो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि यदि दो समतल दर्पण 45 डिग्री कोण पर झुके हो और उनके बीच रखी गई वस्तु की कितनी प्रतिबिंब बनेगी, तो देखिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर 360/थीटा एक सम संख्या होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि n बराबर 360/θ-1, तो यहाँ थीटा 45 डिग्री दिया हुआ है तो 360/45-1, तो इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 8-1 यानी 7 जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि किस रंग का अपवर्तांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होता है, तो किसका होता है, लाल होता है, और अगर सबसे कम पूछे कि सबसे कम किसका होता है तब जो बैगनी होता है इसका सबसे कम होता है। देखिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जिसका अपवर्तांक जितना कम होगा प्रकाश की चाल उतना ही अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है वनस्पति तेल से वनस्पति घी किस विधि के द्वारा बनाया जाता है, तो वनस्पति तेल से जो वनस्पति घी है वो हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोनाइजेशन विधि के द्वारा बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजनीकरण। देखिए ये हाइड्रोजनेशन जो प्रोसेस है इसमें होता क्या है, इसमें असंतृप्त जो कार्बनिक यौगिक हैं इससे हाइड्रोजन की क्रिया के द्वारा संतृप्त यौगिक को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, तो देखिए अमोनिया गैस बनाने में जो हैबर विधि है इसमें तांबा, जस्ता, रांगा के ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड यानी लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहे का चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है निम्न में से कौन सा कांच का प्रयोग धूप चश्मे के लेंस बनाने में किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रूक्स कांच का जो प्रयोग है ये धूप चश्मा लेंस को बनाने में किया जाता है। अगर हम बात फ्लिंट कांच की करते हैं तो फ्लिंट कांच का किया जाता है दूरबीन के लेंस बनाने में, पोटास कांच का किया जाता है उच्च तापी कांच के बर्तन बनाने में, और सोडा कांच की बात करते हैं तो सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है ट्यूबलाइट या फिर बोतलें बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 मिलान करने का जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे मैच करेगा, CaSO4 2H2O से मैच करेगा। अगर हम बात जिप्सम की करते हैं तो CaSO4 2H2O से मैच करेगा। धोबन सोडा यानी बासिंग सोडा की अगर हम बात करते हैं तो यह मैच करेगा N2CO3 10H2O से, और हाइपो की अगर बात करते हैं तो हाइपो मैच करेगा Na2S2O3 5H2O से। ठीक है, इसी को हम लोग हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर काम करता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात हाइड्रोजन बम की करते हैं तो हाइड्रोजन बम से याद रखिएगा इसका विकास 1952 में एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इससे एक चीज़ और याद रखिएगा, ये इतना शक्तिशाली होता है लमसम आप मान लीजिए परमाणु बम के भी अपेक्षा में कम से कम 1000 गुना ज़्यादा अधिक शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है फलों के मधुर स्वाद किसके कारण होते हैं, तो फलों का जो मधुर स्वाद है ये फ्रुक्टोज के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर है, फ्रुक्टोज के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि का कार्य एक साथ करती है, तो ये कौन करता है, पैनक्रियाज करता है मतलब अग्नाशय करता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अग्नाशय से एक चीज़ भी याद रखिएगा, ये जो पैनक्रियाज यानी अग्नाशय जो है वो हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है ब्रिक प्रति मिनट औसतन कितना रक्त निष्पंद करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 125 मिलीलीटर। कभी कभी ये लीटर में भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा 180 लीटर प्रतिदिन रक्त निष्पंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो 1:2:1 होता है। ठीक है सर, कार्बोहाइड्रेट से एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारे मानव शरीर होता है, मानव शरीर में 50-75% तक की ऊर्जा जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही पूरी की जाती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के कुछ और प्रमुख कार्य हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख काम है कि ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना और विटामिन सी का निर्माण करना भी कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख कार्य है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 मिलान करने के लिए कह रहा है विटामिन ए जो है वो किससे मैच करेगा, हरी सब्जियां से मैच करेगा। विटामिन डी की अगर बात करते हैं तो विटामिन डी जो है वो मैच करेगा मछली यकृत तेल से। विटामिन ई की अगर बात करते हैं तो विटामिन ई मैच करेगा अंकुरित ताजा अनाज से, और विटामिन के मैच करेगा आत्म उत्पन्न से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि जीवाणु का खोज किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुएन हॉक जो है वो जीवाणु का खोज किए थे। इवान विस्की की अगर बात करते हैं तो इन्होंने विषाणु का खोज किया था। ठीक है, लुई पाश्चर की अगर बात करते हैं तो लुई पाश्चर ने रेविज का टीका का खोज किया था, और एडवर्ड जेनर की बात करते हैं तो ये चेचक के टीका का खोज किए थे। ठीक है, जीवाणु से एक चीज़ याद रखिएगा, यानी बैक्टीरिया होता है जीवाणु, बैक्टीरिया से कुछ रोग हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किसके द्वारा जनित रोग है, जैसे कि टिटनेस हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, ये सब जीवाणु से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्न में से किस यौगिक का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का, यानी AgCl। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। एक चीज़ और यहाँ याद रखिएगा, AgCl जो है यानी सिल्वर क्लोराइड, इसका यूज किया जाता है फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में। ठीक है, एक और याद रखिएगा AgNO3 जो है वो है सिल्वर नाइट्रेट, और इसका यूज किया जाता है मतदान की स्याही बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था। तो सहायक संधि करने वाला भारत का प्रथम भारतीय राज्य जो था वो हैदराबाद था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। और हैदराबाद कब किया था सहायक संधि, 1798 में हैदराबाद ने सहायक संधि कर लिया था। अगर हम बात अवध की करते हैं तो अवध किया था 1801 में, और मैसूर और जो था वो किया था 1799 में, और तंजौर भी किया था 1799 में ही। क्लियर है, सहायक संधि की पद्धति किसके द्वारा शुरू किया गया था। सहायक संधि की जो पद्धति थी ये लॉर्ड बलेजली के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड बलेजली से पहले भी सहायक संधि किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो उस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा सहायक संधि शुरू किया गया था। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहे हैं अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अखिल भारतीय किसान सभा यानी 1936, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है अपने विरोधियों के विरुद्ध लॉ एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बलबन के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, देखिए बलबन से कुछ और चीज़ें याद रखिएगा, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। बलबन का जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था, और यह इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, बलबन ने ही राजदरबार में सिजदा एवं पैबॉस प्रथा की शुरुआत की थी। बलबन ने नौरोज उत्सव को भी प्रारंभ किया था। और बलबन से एक और चीज़ याद रखिएगा, अमीर खुसरो, अमीर हसन इसी के दरबार में रहते थे।
अगर हम बात मोहम्मद गोरी की कर लेते हैं तो मोहम्मद गोरी से कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध याद रखिएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम था तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हो गया था। एक और लड़ाई थी तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, लेकिन इसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। एक और युद्ध याद रखिएगा चंदावर का युद्ध 1194 में गोरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद हार गया था और गोरी विजय हो गया था। और ऑप्शन है महमूद गजनी। महमूद गजनी की अगर बात करते हैं तो महमूद गजनी से याद रखिएगा महमूद गजनी ने टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और जो इसका अंतिम आक्रमण था वो 1027 में था, और 1027 में इसका जो अंतिम आक्रमण था वो जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, महमूद गजनी से एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये प्रथम शासक था। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इल्तुतमिस। इल्तुतमिस से कुछ चीज़ें याद रखिएगा। इल्तुतमिस ने एकता प्रणाली चलाई थी। सबसे पहले इन्होंने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था। इसने एक तुर्कान चिहलगानी नामक एक संगठन स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये पुस्तक शुरू किया गया था। और ये कब प्रकाशित हुई थी, 1927 में प्रकाशित हुआ था बहिष्कृत भारत। ठीक है, इनसे बी आर अम्बेडकर से कुछ और चीज़ याद रखिएगा। कुछ और पुस्तक और पत्रिका हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि है शूद्र कौन और कैसे, जाति का उच्छेद, जनता, ये सब किसके द्वारा रचित है, तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा ही रचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। तो सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन था, देबल था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सल्तनत काल से कुछ और चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक याद रखिएगा सरस्वती जो है वो अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध है। एक याद रखिएगा सतगांव जो था वो रेशमी रजाइयों के लिए सल्तनत काल में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि एहोल अभिलेख की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो एहोल अभिलेख की जो रचना थी वो की गई थी रवि कृति के द्वारा, लेकिन इसका संबंध किस एहोल अभिलेख से किसके बारे में पता चलता है अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए या एहोल अभिलेख का संबंध किससे है, तब आंसर हो जाएगा पुलकेसिन द्वितीय का संबंध एहोल अभिलेख से है। लेकिन इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, रचना जो था वो रवि कृति के द्वारा किया गया था। क्लियर है। चलिए अगर हम बात पुलकेसिन द्वितीय की करते हैं तो पुलकेसिन द्वितीय से याद रखिएगा ये बातापी के चालुक्य वंश का एक शासक था, और पुलकेसिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है इंडिया बीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया बीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। देखिए यहाँ अबुल कलाम आज़ाद और अब्दुल कलाम आज़ाद दोनों दिया हुआ है, अब्दुल कलाम आज़ाद से कन्फ्यूज नहीं होइएगा। अब्दुल कलाम आज़ाद की भी कुछ रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, ये सब एपीजे अब्दुल कलाम की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है मोपला विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे। तो मोपला विद्रोह यानी कब, 1921 केरल के मालाबार तट के निकट हुआ था, और इसके प्रमुख नेता कौन थे, अली मुसलियार थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो तुझके बाबरी का फारसी में जो अनुवाद किया गया था वो अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था, और ये किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था 1583 ईस्वी में। ठीक है, कब करवाया था, 1583 ईस्वी में। क्लियर है। देखिए फैजी से याद रखिएगा, फैजी जो थी ये लीलावती का अनुवाद किया था। ठीक है, अबुल फजल पंचतंत्र का अनुवाद किया था। ठीक है, एक और अनुवाद पूछा जाता है जो है राजतरंगनी का अनुवाद किसने किया था, तो वो है मुल्ला शाह मोहम्मद के द्वारा राजतरंगनी का अनुवाद किया गया था, और ये सब अकबर के काल में हुआ था। अकबर से याद रखिएगा, अकबर जो था वो अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। ठीक है, अकबर से एक और चीज़ याद रखिएगा, अकबर जो है वो 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया था, 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था, और 1582 में दीन इलाही की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने बातापी कोंड की उपाधि धारण किया था।
तो बतापी कुंड की उपाधि जो धारण किया था वो नरसिंह बर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह बर्मन प्रथम ने जो था वो बतापी कुंड की उपाधि धारण किया था। और यह कौन था? पल्लव वंश का शासक था जिसने महाबल्लीपुरम के एकादश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसे एक चीज़ याद रखिएगा, 642 ईस्वी, लगभग 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को इसने परास्त किया था और उसकी जो राजधानी थी बादामी उस पर अधिकार कर लिया था। और इसी विजय के बाद नरसिंह बर्मन प्रथम ने बतापी कुंड की उपाधि धारण किया था पुलकेशिन द्वितीय के को हराने के बाद। और ऐसा माना जाता है कि इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है रंजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। तो 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह और मेडकॉफ के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, 1809 में वहाँ पे लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि 1807 से लेकर 1813 तक गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो सब लोग सोचते हैं उसके और रंजीत सिंह के बीच ये संधि हुई थी, लेकिन नहीं, गवर्नर जनरल भले ही मिंटो प्रथम था लेकिन ये जो संधि हुई थी ये रंजीत सिंह और मेडकॉफ के बीच हुआ था। कब? 1809 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिगेड आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा नहीं था। तो आज़ाद हिंद फौज में कौन कौन से ब्रिगेड थे? गांधी ब्रिगेड था, सुभाष ब्रिगेड था, नेहरू ब्रिगेड था, लेकिन पटेल ब्रिगेड नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज़ाद हिंद फौज की अगर बात करते हैं तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था और फिर आगे जाके सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाल ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयदेव जो थे वो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। क्लियर है? ठीक है। और ये जो लक्ष्मण सेन से एक चीज़ याद रखिएगा, लक्ष्मण सेन जो थे वो एक कृत बंगाल के अंतिम हिंदू शासक माने जाते थे। अगर हम बात और ऑप्शंस की करते हैं तो कनिष्क के याद रखिएगा इसके दरबार में कौन कौन था? चरक था, अश्वघोष, बसुमित्र, नागा अर्जुन, ये सब कनिष्क के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय से याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक फाहियान जो था वो भारत आया था। और धर्मपाल से याद रखिएगा, धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है किस गुप्त शासनकाल के द्वारा पहली बार हूनों का आक्रमण हुआ। तो पहली बार जो हूनों का आक्रमण था वो स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्कंद गुप्त से एक चीज़ और याद रखिएगा, स्कंद गुप्त ने ही गिरनार पर्वत पर जो स्थित है सुदर्शन झील इसका पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, चलिए और ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम से याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय से याद रखिएगा इसी के समय फाहियान भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का चलवाया था इसने। समुद्रगुप्त से याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, यह विष्णु का उपासक था और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये नहीं सुमेलित पूछ रहा है, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष सुमेलित है, मीरातुल अखबार राजाराम मोहन राय सुमेलित है, इंडियन मिरर मनमोहन घोष एवं देवेंद्र नाथ टैगोर सुमेलित है, द लीडर गोपाल कृष्ण गोखले सुमेलित नहीं है। द लीडर जो है वो मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित यह एक पत्र है जो इलाहाबाद में प्रकाशित किया गया था। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है किस व्यक्ति के नेतृत्व में वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो देखिए 1928 में जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी ये बात कर रहा है HSRA की, तो इसका जो स्थापना है ये किया गया था चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की अगर बात कर ले, सोशलिस्ट पद हटा दे, तब आंसर हो जाएगा 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है अंग्रेजों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तो देखिए अंग्रेजों की जो प्रथम व्यापारी कोठी थी, प्रथम व्यापारी कोठी खोलने का प्रयास सर्वप्रथम सूरत में 1608 ईस्वी में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। लेकिन फिर
अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी समुद्री तट पर मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। ठीक है, अगर हम बात पुर्तगालियों की करते हैं तो पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कोचीन में लगाया था, और अगर बात हम लोग डच की करते हैं तो डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है सिकंदर की सेना ने किस नदी के तट पर पहुंचकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। तो सिकंदर की जो सेना थी वो बिपासा नदी यानी ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यास नदी। सिकंदर लगभग 19 महीने भारत में रहा था। सिकंदर से एक चीज़ याद रखिएगा, सिकंदर जो था वो अरस्तु का शिष्य था, और इसके पिता का नाम था फिलिप, और इसका एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्युकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है। तो देखिए, पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत कौन शामिल नहीं होता है, तो निवेश जो है वो नहीं शामिल होता है। क्यों? क्योंकि जो निवेश है, निवेश, ऋण भुगतान, ऋण वितरण, ये सब पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और केंद्रीय बजट के पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो विनिवेश, आंतरिक बाजार, विदेशी ऋण एवं सहायता, ऋण वसूली, ये सब चीज़ आता है पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत, लेकिन जो निवेश है ये पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है आबिद हुसैन समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो आबिद हुसैन संबंधी का समिति का जो संबंध है वो लघु उद्योग से है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। राष्ट्रीय आय से याद रखिएगा महानोबिस जो समिति है वो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात अप्रत्यक्ष कर की करते हैं तो एक है रेखी समिति जो है जिसका संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो तृतीय क्षेत्र है ये भारत में सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान करता है। अगर हम बात जीडीपी की करते हैं सकल घरेलू उत्पाद की, तो समझ लीजिए कि कोई भी देश है जिसकी घरेलू सीमा के भीतर स्थिति, किसी भी देश के घरेलू सीमा के भीतर जो स्थित निवासी उत्पादक हैं तथा गैर निवासी उत्पादक के इकाइयों के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है वही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है। तो देखिए, निगम कर भी प्रत्यक्ष कर है, पूंजीगत लाभ कर ये भी प्रत्यक्ष कर है, आयकर ये भी प्रत्यक्ष कर है, और प्रतिभूति लेन देन कर ये भी प्रत्यक्ष कर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। देखिए, कर जो होता है वो मेनली दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं, मतलब एक ऐसा कर जिसके मौद्रिक तथा वास्तविक का जो वास्तविक बोझ जो है वो उस व्यक्ति पर पड़े जिस पर सरकार के द्वारा कर लगाया जा रहा है, वैसे कर को लोग प्रत्यक्ष कर करते हैं। और अप्रत्यक्ष कर मतलब वैसे कर जिसका वास्तविक बोझ जो है उसको विवर्तित किया जा सकता है, इसको हम लोग अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है निम्न में से किसे जुड़वा घाटा कहा जाता है। तो जुड़वा घाटा कहा जाता है राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा को जुड़वा घाटा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजकोषीय घाटा तथा चालू खाता घाटा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग आर्थिक समीक्षा जारी करता है। तो आर्थिक समीक्षा जारी करता है आर्थिक कार्य विभाग। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है पृथ्वी अपने कक्षा तल से कितने अंश का कोण बनाती है। तो देखिए, आप लोग भी पता होगा कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसी झुकाव के कारण जो पृथ्वी है वो अपने कक्ष तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, 66.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? विषय संबंधी मानचित्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। जो विषय संबंधी मानचित्र है इसमें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों से दर्शाया जाता है, और इस प्रकार का जो मानचित्र होता है इसमें भौतिक, प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक के साथ साथ शहर, क्षेत्र, राज्य, देश एवं महाद्वीपों के संदर्भ में जानकारी दी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है। तो संसार का अगर सबसे आर्द्र महाद्वीप की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अमेरिका जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। देखिए संसार का जो सबसे अधिक आर्द्र स्थल है वो तो है भारत का मानसीराम जो कि एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग संपूर्ण क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षों के वितरण को देखते हैं तब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है वो सबसे आर्द्र महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखलाएं क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूकंपन रेखाएं, ठीक है। देखिए सब भूकंप रेखाएं क्या होती है, सब भूकंपन रेखाएं जो होती है वो ये वो रेखाएँ हैं जो एक ही समय में कंपन करने वाले समान स्थानों को जोड़ती है, ठीक है। और सब भूकंप रेखाएं जो है वो है जो भूकंपीय लहरों द्वारा उत्पन्न परिणाम क्षेत्रों को मिलाती है। तो सब भूकंप रेखाएं कौन हो गई, सब भूकंप रेखाएं वो है जो एक ही समय में कंपन करने वाले समान स्थानों को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है वह मिट्टी जो वर्षा के कारण जहां निछालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी की जो उत्पत्ति है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना बस सिल्का के निछालन से होती है। और लेटराइट मिट्टी से एक चीज़ याद रखिएगा, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बहुलता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सागर, मैग्रोव, झील और घास मैदान। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है लोहा एवं इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया गया था। तो जर्मनी के सहयोग से कहाँ लगाया गया था, उड़ीसा में राउरकेला इस्पात संयंत्र 1959 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग दुर्गापुर की बात करते हैं तो दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है ये ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था और भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ये रूस की तकनीक से यानी रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है पश्चिम यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन से धारा उत्तरदायी है। तो पश्चिम यूरोप की तापमान बढ़ाने के लिए गल्फ स्ट्रीम जो धारा है वो उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नवीन मोरदार पर्वत। देखिए विश्व की जो सर्वोच्च चोटी है जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, सागर माथा, तो ये सब चोटियाँ कहाँ स्थित है, हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। और हिमालय पर्वत एक नवीन मोरदार पर्वत बलित पर्वत है। तो इसे यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि विश्व की जो अधिकांश सर्वोच्च चोटियाँ हैं वो इन्हीं बलित पर्वत पर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो दस्त ए लूट मरुस्थल जो है वो ईरान के केरमान प्रांत में एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईरान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है निम्नलिखित देश में से कौन अंतर महाद्वीपीय है। तो अंतर महाद्वीपीय का मतलब क्या होता है, एक से अधिक महाद्वीप में जो विस्तृत देश है होता है उसी को हम लोग अंतर महाद्वीपीय देश कहलाते हैं कहते हैं। तो जॉर्जिया और तुर्की, ठीक है, जॉर्जिया और तुर्की जो है वो ऐसे देश हैं जिसका विस्तार जो है वो एशिया से लेकर यूरोप महाद्वीप तक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा स्थल रूप देश कौन है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा स्थल दूर है वो कजाकिस्तान है और जो पांच देशों के साथ सीमा साझा करता है, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार तीन सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य। तो वन क्षेत्रफल वाले राज्य जो हैं वो है सबसे ज़्यादा MP, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। देखिए इससे दो क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। एक पूछा जा सकता है सर्वाधिक बनावरण वाले राज्य, मतलब प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तब सबसे ज़्यादा हो जाएगा मिजोरम, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर मेघालय, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वृद्धि सबसे ज़्यादा किस राज्य में हुआ है। तो वृद्धि सबसे ज़्यादा हुआ है कर्नाटक में, उसके बाद हुआ है आंध्र प्रदेश में और उसके बाद हुआ है केरल में। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87।
क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं। तो टुंड्रा एवं शीत प्रधान के क्षेत्रों की वनस्पति को हम लोग कहते हैं क्रेओफाइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर हम बात हेलोफाइट की करते हैं तो हेलोफाइट कहा जाता है नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति के। अगर लियोफाइट की अगर बात करते हैं तो कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को कहा जाता है। और जेरोफाइट की अगर बात करते हैं तो ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कलोल तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो कलोल तेल क्षेत्र जो है वो गुजरात में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक और चीज़ याद रखिएगा, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर भी जो है वो गुजरात में स्थित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात में ही स्थित है। आसाम से याद रखिएगा डिगबोई, डिगबोई तेल क्षेत्र जो है वो आसाम में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सा स्थित है, महाराष्ट्र से याद रखिएगा बॉम्बे हाई। और राजस्थान से याद रखिएगा राजेश्वरी, सरस्वती, ये सब जो है वो राजस्थान में तेल क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि बिहार में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरता है। तो बिहार से राष्ट्रीय जलमार्ग एक गुजरता है जो प्रयागराज यानी इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, यही बिहार से होकर गुजरता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जलमार्ग एक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है संता आना स्थानीय हवाएं कहाँ चलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलिफोर्निया में चलती है। ठीक है, अगर हम बात स्विट्जरलैंड की करते हैं तो स्विट्जरलैंड से की हवाएं से एक चीज़ याद रखिएगा फॉ, ये स्विट्जरलैंड की स्थानीय हवा है। और जापान से याद रखिएगा यामू। और अर्जेंटीना से याद रखिएगा जोंडा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में पुरानी जलोढ़ मृदा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कैरब कबाल मृदा, जिसको कि हम लोग पुराई जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ स्थित है, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा से याद रखिएगा गोवा में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है दाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और हैदराबाद में है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है ब्राजील के कहवा के बागों को क्या कहते हैं। तो ब्राजील के कहवा के बागों को हम लोग क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साओ पोलो को इसे याद रखिएगा कि विश्व की कहवा मंडी साओ पोलो को कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात लामा की करते हैं तो एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है जो कि बोझ ढोने के काम में आता है। और ये एंटासिया जो है वो अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्म को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है पर्यावरणीय निश्चित बात के प्रतिपादक कौन थे। तो कॉल रिटल थे, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है प्रकाश द्वारा पौधों में किस विटामिन का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्रकाश द्वारा विटामिन ए और कैरोटीन का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन से ए से याद रखिएगा इसका जो केमिकल नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन बी1 का जो केमिकल नाम होता है वो होता है थायमिन। विटामिन सी का केमिकल नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है पोषण स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण स्तर में जाती है। तो देखिए पोषण स्तर में 90% जो ऊर्जा होती है उसका उपयोग कर लिया जाता है और 10% जो ऊर्जा होती है वो अगले स्तर में चली जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10%। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है दो परिस्थिति के तंत्रों के माध्यम के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है इकोटोन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है निम्नलिखित किरणों में से किसकी बंधन बेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो बेधन क्षमता सर्वाधिक जो होती है वो किसकी होती है, वो होगा अल्फा किरण का, उसके बाद होगा बीटा किरण का, फिर होगा गामा किरण का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 सुमेलित करने के लिए कह रहा है तो बनरघट्टा राष्ट्रीय पार्क जो है वो बेंगलोर कर्नाटक में है। जलपार्दा अभयारण्य जो है वो जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। और टडोबा राष्ट्रीय पार्क जो है वो चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। और नबेगांव राष्ट्रीय पार्क जो है वो भंडारा महाराष्ट्र में है। ठीक है,
जलपुरी यहाँ बेंगलोर से, और चीज़ याद रखिएगा कर्नाटक में और बहुत सारे राष्ट्रीय पार्क हैं, जैसे बांदीपुर हो गया, भद्रा हो गया, सोमेश्वर हो गया। पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल से एक और याद रखिएगा सुंदरबन, और महाराष्ट्र से याद रखिएगा तमसा अभयारण्य, बोरबिली राष्ट्रीय उद्यान, ये सब भी महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो यह किया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 69 संविधान संशोधन जो था वो 1991 में हुआ था, और इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। 63वां संविधान संशोधन जो है ये भी 1989 में ही हुआ था, और 71वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ था, और इसके तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। तो ये था हमारा आज का सेट। अगर आप लोगों को ये सेट पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।